नमस्कार, कोरोना योग एपिसोड 17 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जानेंगे 5 मिनट में रील स्वस्थ पार्ट 4। हमने हर कड़ी में भिन्न भिन्न ऐसे आसनों का अभ्यास करते हैं हम इसमें कि जिनसे हमारी रील स्वस्थ रहे और हमारे फिटनेस स्वस्थ रहे, क्योंकि आजकल ये जो सीरियल चल रहा है हमारा, ये कोरोना योग को ध्यान में रखकर ये चला है कि कैसे हम अपने शरीर को भी स्वस्थ रखें और अपनी प्रतिरोधक शक्ति या रोगों से लड़ने की शक्ति को अच्छा बनाएं। आज हम 2 आसनों का अभ्यास करेंगे, एक है उष्ट्रासन और दूसरा है सुप्त वज्रासन। आइए, उष्ट्रासन के लिए हम क्या करते हैं कि घुटनों के बल खड़े हो जाते हैं, घुटनों में कंधों जितना फासला, पंजे पीछे से लेटे हुए और पंजों में भी उतना ही फासला बना लेते हैं, दोनों अंगूठों को हाथ को पीछे की तरफ ले जाते हुए रीढ़ के निचले हिस्से पर मिला लेते हैं और हम चारों अंगूठे का रुख आगे की ओर करते हैं। अब हम क्या करेंगे, अंगूठे वाले स्थान से पीछे की ओर झुकेंगे, श्वास भरते हुए जितना मैक्सिमम अधिक से अधिक हम पीछे झुक सकते हैं हमें झुकना चाहिए, ये देखेंगे। अब दोनों हाथों को तलवों पर रख देंगे, गर्दन अधिक से अधिक पीछे चली जाएगी, फेफड़ों को फुला देंगे, सामान्य श्वास के साथ रुकेंगे, धीरे धीरे वापस आकर वज्रासन में विश्राम करेंगे। इस आसन के करने से थाइस वाला भाग, जंघाओं वाला भाग, एब्डोमिनल पोर्शन उधर वाला भाग और वक्स जो आपका चेस्ट वाला भाग है, फेफड़े, हृदय और आपका अमाशय वाला भाग और लीवर वाला भाग प्रभाव में आता है, सब अंग स्वस्थ बनते हैं। लेकिन ध्यान दें, जिसको पेट में अल्सर की शिकायत या हर्निया की प्रॉब्लम हो उसे ये क्रिया नहीं करनी। इससे अगला आसन है हमारा सुप्त वज्रासन। ये आप साइड से देखेंगे, आपको दिखाया जाएगा, हम पीछे दोनों पैरों के मध्य अर्थात एड़ियों के मध्य जो है ना हम बैठ जाते हैं और धीरे 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 हम इसमें 2 वेरिएशंस करेंगे। वेरिएशंस एक में पंजे हमारे वहीं पर ही रहेंगे, बस धीरे धीरे पीछे जाएंगे आप, कोहनिया धरती पर टिकाकर गर्दन को पीछे मोड़ देंगे और सर का ऊपरी भाग माथे के पास का और धरती से स्पर्श करवा देंगे, रीढ़ की धनुष जैसी आकृति रखेंगे, दोनों हथेलियों को जंघाओं पर रख देंगे, फेफड़ों को पूरा फैला देंगे जितना आप फैला सकते हैं, यहां रीढ़ धरती पर नहीं लगती, इसका विशेष ध्यान रखना है। जिनको रीढ़ में दोष होता है उनके लिए ये आसन बहुत सुंदर है। ये सुप्त वज्रासन की पहली अवस्था कहलाती है, इसमें हथेलियां जंघाओं पर रहती है। इसकी दूसरी अवस्था देखेंगे, पहले से धीरे धीरे वापस आ जाए, विश्राम करें और फिर पीछे से पंजों को खोल दें और दोनों नितंबों को धरती पर टिका दें, दोनों पैरों के टखनों को पकड़ते हुए पहले दाहिनी कोहनी फिर बाहिनी कोहनी रख करके पूरी रीढ़ को यहाँ पर धरती से टिका करके दोनों हाथों को पीछे लेकर के जाएं, इसको ताने और फिर हाथों का तकिया बना करके आप बिल्कुल सुप्त अवस्था में विश्राम करें। यहाँ पर आप श्वास को गहरा और लंबा भी बना सकते हैं, क्षमतानुसार रुकें और फिर धीरे धीरे जैसे गए थे वैसे ही आप पहले कोहनियों का सहारा लें, उठ बैठें और विश्राम। इस आसन में, इस अवस्था में ये 2 वेरिएशन है, अवस्था 1 और अवस्था 2। बस ये ध्यान रखना है, जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या घुटनों में दर्द रहता है और शैटिका का दर्द रहता है उनको ये आसन नहीं करना चाहिए। दोनों ही आसनों के करने से हमारे रीढ़ के दोष ठीक होते हैं, हमारे फेफड़े ठीक होते हैं और हमारे ऑक्सीजन के ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ती है। आप इसका अभ्यास कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।